दोस्तों, अभी हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया रनिंग से पहले की स्ट्रेचिंग। आप सभी स्ट्रेचिंग के बारे में जानकारी ले चुके हैं। अभी आता है आपको रनिंग किस प्रकार करें। रनिंग करते टाइम ध्यान में रखने वाली बातें, कुछ ऐसी ट्रिक है जिनके द्वारा आप रनिंग को आसानी से, अगर उनको फॉलो किया जाए तो रनिंग आपकी बहुत आसान हो जाती है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट आता है रनिंग आप 5 किलोमीटर कर रहे हैं या फिर 1600 मीटर। अगर 1600 मीटर रनिंग कर रहे हैं तो 1600 मीटर शॉर्ट रनिंग में आता है। शॉर्ट रनिंग में हम पंजे के ऊपर रनिंग कर सकते हैं शॉर्ट रनिंग, लेकिन अगर 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं तो आप पंजे के ऊपर आप 5 किलोमीटर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हम आपको बता दें, अगर आप 1600 मीटर रनिंग कर रहे हैं तो 1600 मीटर आपका हमेशा आपका, जब आप रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग करते टाइम आपका ओनली फॉर पंजा टिकना चाहिए। अगर आप 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं तो आपका 5 किलोमीटर में आपका पंजा लगेगा, फिर पूरा फ्लैट पर लगेगा। ऐसे इस प्रकार से आपको पूरा पर लगाना, तभी आप आसानी से रनिंग पार कर सकते हैं। मान लो अगर आप 5 किलोमीटर भी पंजे पे करते हैं तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर दौड़ेंगे, उसके बाद में आपको यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगा, सिनबोन का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको बहुत सारी तकलीफ़ आ सकती है, तो आपका रनिंग अधूरा रह जाएगा और आपका सपना कहीं ना कहीं चूर चूर हो सकता है। तो हम आपको इसके लिए जानकारी दे देते हैं, हमेशा अगर आप 1600 मीटर दौड़ते हैं तो उसके लिए आप क्या है, पंजे के ऊपर रनिंग करिए, और अगर आप 5 किलोमीटर रनिंग कर रहे हैं तो आप पूरा फ्लैट पर से दौड़ सकते हैं। अभी ध्यान में रखने वाली बात कुछ ऐसी है, रनिंग करते टाइम बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे मुंह से सांस नहीं लेना है। ये ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। आप जब रनिंग कर रहे हैं तो आपके बॉडी को, आपके फेफड़ों को, ज़्यादा से ज़्यादा आपके शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन की ज़रूरत के लिए हम पूरी करने के लिए क्या करते हैं, मुंह और नाक दोनों से सांस ले सकते हैं। अगर आप खाली नाक से सांस लेंगे तो आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन कम पहुँचती है, जिससे आपको जल्दी से जल्दी थकान महसूस होगी और आप रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करें, पूरा मुंह और नाक से दोनों से सांस ले सकते हैं, ताकि आपके शरीर को जितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है उतनी हम ज़्यादा अपने शरीर को एनर्जी दे सकते हैं। दूसरी चीज़, आपको थकान बिल्कुल महसूस कम महसूस होगी, क्योंकि आप दो जगह से सांस ले रहे हैं, मुँह से भी ले रहे हैं, नाक से भी ले रहे हैं, तो आप आसानी से सांस ले पा रहे हैं, तो आपको इतनी तकलीफ नहीं आएगी रनिंग करने में। दूसरी चीज़ आती है, जब हम दौड़ते हैं तो हमारा बॉडी वेट किस प्रकार का होना चाहिए। जब हम दौड़ रहे हैं, मैं जैसे मान लो दौड़ने के लिए तैयार हूँ, तो मेरा बॉडी वेट आगे की तरफ होना चाहिए। इस प्रकार से आगे की तरफ अगर आपका बॉडी वेट रहेगा तो आपको आसानी से दौड़, अगर आप पीछे ऐसे करके दौड़ेंगे, इस प्रकार से दौड़ेंगे, तो आपको दौड़ने में तकलीफ हो सकती है। लेकिन अगर आप, यही आपका बॉडी वेट आगे है और आगे की तरफ रख के दौड़ेंगे, तो आप आसानी से रनिंग 1600 मीटर हो चाहे 5 किलोमीटर हो, कोई सी भी रनिंग हो, आपके सभी रनिंग के लिए फार्मूला लागू होता है। दूसरी चीज़ आती है, रनिंग के टाइम स्टेमिना। फर्स्ट में आप जब रनिंग स्टार्ट करते हैं, जब आपने स्टार्ट किया रनिंग को, अगर आप लॉन्ग रनिंग दौड़ रहे हैं, लॉन्ग रनिंग मतलब 5 किलोमीटर अगर आप दौड़ रहे हैं, तो 5 किलोमीटर के लिए सबसे पहले आपको क्या है, 5 किलोमीटर में आपको फर्स्ट में आपको स्लो दौड़ना है। मतलब आपको बॉडी को एकदम, आपका बॉडी उस रिदम में आना चाहिए। 5 किलोमीटर दौड़ने से पहले आपको कम से कम 200 मीटर 250 मीटर तक आपको बॉडी को आराम से दौड़ना है, बॉडी वार्म अप और उस रिदम में लाने के लिए। जब आपकी बॉडी अगर रिदम में आ जाती है तो फिर आप लंबा स्टेप ले सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आज यही इसकी जगह आप 1600 मीटर अगर आप दौड़ रहे हैं, तो 1600 मीटर के लिए आपको फर्स्ट से ही आपको बॉडी को आप खींचना पड़ेगा, ताकि आपका 1600 मीटर क्या है, शॉर्ट रूट में आता है, तो शॉर्ट रूट में, शॉर्ट रनिंग में आपको पूरा बॉडी का इफेक्ट लगाना पड़ेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ टिप्स हैं जो आप अगर फॉलो करेंगे तो आप आसानी से 1600 मीटर और 5 किलोमीटर रनिंग पार कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।